हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सैनी एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट चल रहा था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, और इसमें जो है हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था। अब आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट सेकंड, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यूनिट फर्स्ट अपलोड है उसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वन बाई वन चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। यूनिट फर्स्ट भी है स्टेट ऑफ मैटर, और उस टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक का भी नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आप समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन टाइप की वीडियो है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो ये सॉलिड लिक्विड गैस ये सब पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बस इनको हम एक कंपैरिजन करते हुए इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेंगे, जिससे एक आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में जो आने वाली चीजें हैं वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है बेसिकली चार टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रिसेंटली ऐड की गई है, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड गैस तो आपको पता ही है। प्लाज्मा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, ये प्लाज्मा की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली चार्ज पार्टिकल्स विद एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी। तो जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, और इनकी जो ये जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, मीन्स जो हमारी चीजें जो ग्लो कर रही होती हैं, ग्लो करने मतलब ये जो प्लाज्मा होते हैं ये काफी हॉट होते हैं। ठीक है, ये एक हॉटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, ये सबसे ज्यादा हॉट होती है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फ्लोरिसेंट ट्यूब है, या जो हमारा सीएफएल है, सीएफएल जो हम लोग घर में यूज करते हैं, कंप्रेस्ड फ्लोरिसेंट लाइट, तो ये सब क्या है, हमारे जो है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। मीन जो चीजें ग्लो कर रही, जैसे स्टार वगैरह है, स्टार ग्लो कर रहे होते हैं, इनमें जो नोबल गैसेज है ये आयनाइज हो जाती है। ठीक है, आयनाइज होकर फिर जो है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वही क्या करते हैं, फ्लोरिसेंट डेवलप करते हैं। तो ये एक प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, जो कि सबसे डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर और सबसे हॉटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक, आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज है इनको हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, जिससे हमको जो है कम समय में सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सॉलिड क्या है, दे हैव डिफिनाइट शेप एंड अ डिफिनाइट वॉल्यूम। तो इनका जो डिफिनाइट शेप मीन्स जो इनका आकार है वो भी निश्चित होगा, और इनका वॉल्यूम भी, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। दोनों चीजें हमको पता होती है, निश्चित होती है। ठीक है, लिक्विड में क्या है, दे हैव डिफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप। इनका वॉल्यूम तो क्या होता है, जो है डेफिनेट होता है, इनका वॉल्यूम निश्चित होता है, बट जो इनका शेप है वो कोई निश्चित नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ दियर कंटेनर, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिनमें इनको हम रखते हैं। जैसे हम बाल्टी में पानी भरते हैं तो क्या होता है, बाल्टी शेप ले लेता है। ग्लास में रखते हैं पानी को तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। ठीक है, गैस में क्या है, नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। तो इनका ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक, आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता, ये फ्लो करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं करते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मूव कर सकते हैं, अगर इनको हम हीट करें या इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं तो ये मूव करेंगे, लेकिन बेसिकली क्या है कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव नहीं करते हैं। लिक्विड में क्या है, ये जो है इजिली फ्लो होते हैं, मीन्स लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे किसी भी लिक्विड को हम पोर करते हैं तो क्या होता है, बहने लग जाता है, मीन्स इसके पार्टिकल जो है बहते हैं, यानी कि इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा है। गैस में क्या है, ईच एटम इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, यानी कि जो गैस है, गैस के पार्टिकल यानी गैस के जो भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मीन्स इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलरेडी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड इनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, इनको हम कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मीन्स जो सॉलिड है, इनमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, मीन्स जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या होते हैं, धसे रहते हैं, तो कहने का मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, और जो लिक्विड है इनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, मीन्स जो सॉलिड है, सॉलिड के कंपेरिजन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इनका जो वीक होता है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के या जो है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, और गैस क्या है, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। गैसेस में क्या होता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होता है। ठीक है, तभी तो ये दूर दूर रहते हैं, इनके बीच में जो स्पेस ज्यादा होता है। फिफ्थ पॉइंट, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब जो सॉलिड है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पर आप देखिए, जो सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। जो लिक्विड है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में
जो गैप देख रहे हैं यानी जो स्पेस है ये क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड में कम है, इनमें ज्यादा है, और यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और गैस में क्या होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ और जो फिफ्थ पॉइंट है एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़िएगा। तो सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वेरी लेस होता है। लिक्विड में क्या है, लार्जर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, और गैस में क्या है, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, सबसे ज्यादा पार्टिकल दूर दूर होते हैं गैस के, ठीक है। सिक्स पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा, सॉलिड आर प्रेजेंट इन अ वेरी डेंस फॉर्म। जो सॉलिड्स होते हैं ये डेंस फॉर्म में प्रेजेंट, मीन्स इनकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज प्रेजेंट एट एन इंटरमीडिएट लेवल। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है, और गैस से क्या होती है, ज्यादा होती है, मीन्स इंटरमीडिएट लेवल में इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। और गैस क्या है, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होती है, मीन्स वेरी लो डेंसिटी, इनकी हाई होती है, इनकी उससे कम होती है, और इनकी सबसे कम होती है, ठीक। डेंसिटी का मतलब आप समझिए, डेंसिटी मतलब आपने ये कई बार पढ़ रखा होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ये देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो कहने का मतलब जो डेंसिटी है हमारी, ये जो डेंसिटी है ये मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास जितना बढ़ेगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो सॉलिड क्या होते हैं, ये जो डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। गैस एज कम्पेयर टू इनके जो सॉलिड्स होते हैं ये दूर दूर होते हैं, तो इसका मास क्या होगा, कम होगा, और इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और गैस की बात करें, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं और इनका मास भी कम होगा, तो इनकी डेंसिटी सबसे लो होगी, मीन्स इनकी डेंसिटी क्या है, हाई है, इनकी इंटरमीडिएट है, और इनकी डेंसिटी क्या है, लो है, ठीक। तो ये जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, इनकी आपने प्रॉपर्टी को जो है देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं इन तीनों का, ये एक रफ डायग्राम आप समझिए। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, काफी पास पास में है, ठीक है, एक दूसरे में धसे हुए हैं। लिक्विड के इसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर हैं, और गैस के क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे दूर दूर हैं, ठीक। तो इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो है स्पेस थोड़ा कम होगा, ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में जो है इनके बीच का स्पेस ज्यादा होगा और गैस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स जो है इस डायग्राम को देखते हुए अगर आप इधर के जो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स हैं पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का जो कॉन्सेप्ट, और जो आने वाली वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन जो है हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ये बस जो है एक इंट्रोडक्शन टाइप की वीडियो थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।